दो दिन से पानी नहीं आ रहा। ओह, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी का तो मैं आपको क्या बताऊं, एक ग्लास पानी पीता हूं मैं, दो ग्लास पसीने के निकल आते हैं। ले दे के मेरे पास है क्या 70% मेरे शरीर में पानी? बस यही मेरी प्रॉपर्टी है, अगर यही निकल गया मैं सोच रहा हूँ बच्चों को विरासत के नाम पर क्या देकर जाऊंगा मैं। फिर मैंने सोचा, मेरा दोस्त जिंदाबाद, कप्पू शर्मा, ओ कप्पू शर्मा, तभी शीला को गुस्सा आया और उसने तौलिया पहने हुए युवक का तौलिया खींच के कुत्तों की तरह पीटा। ओए चंदू, ये तेरे हाथ में क्या है? और मेरे शावर में पानी नहीं आ रहा यार। ओए भैंसों के साथ नहाने वाले आदमी, ये शावर नहीं है, जेट स्प्रे है ये। कभी महंगे टॉयलेट गया हो तो इसको समझाऊं मैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ये वही जो पीछे से ऐसे करूं बंदा ऐसे हो जाता है। तुझे शर्म नहीं आती तौलिया पहन के घूम रहा है? यार अब तौलिया पहनकर आदमी अपने लॉन में भी नहीं घूम सकता। कौन सा लॉन भाई तेरा? घास काटने का काम मिला है इसको, 5 मिनट घास काटता है, 10 सेल्फियां डालता है, इंजॉइंग इन माई लॉन। ये अपना अपना लाइफ स्टाइल है। I enjoy every moment of my life. Complete कर दिया sentence. तेरी बनियान फाड़ के ना तेरी पीठ पे मैंने चमाड़ मारने। ये तौलिया ये पहनने के लिए नहीं होता, पहुंचने के लिए होता है। अच्छा, जब शरीर गीला ना हो तो सूखे शरीर को रगड़ रगड़ कर इसमें से क्या जिन निकालना है मैंने? अर्चना जी, इसीलिए गर्मियों की छुट्टियों में मैं स्विट्जरलैंड जाना पसंद करता हूँ। स्विट्जरलैंड कहाँ, मतलब कौन सा लैंड? पीछे अपना स्विट्जरलैंड। नीचे तेरे तौलिया, ऊपर तेरे बनियान, तेरे को कौन घुसने देता है स्विट्जरलैंड में? तेरा पासपोर्ट पे उन्होंने तेजाब नहीं डाला उन्होंने? कपूर शर्मा, ओ ये स्विट्जरलैंड का कल्चर है। देखो नीचे तौलिया ऊपर बनियान, मैं उन्हीं का कल्चर फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैंने उतार दी ना बनियान तो ये बन जाएगा ब्राजीलियन कल्चर। अच्छा, सारे कल्चर इसको बताया, स्विट्जरलैंड का, ब्राजील का, अपना मेन वाला बताते, हार्ड जेल वाला। जब इसके सारे कपड़े निकाल के बर्फ की सिल्ली पे लिटा के तेरे को मारते थे, तब मैं आगे से नहीं करूंगा, वो बता रहा हूं इनको। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ 2-2.5 मिनट होता है मैक्सिमम, बाद में तो बॉडी सुन्न हो जाती है। मेरी बात सुनो, इतनी बातें आपने बना दी है, एक बाल्टी पानी नहीं दे सकते आप? तूने कौन सा नहाना होता भाई? आई एग्री, मैं रोज नहीं नहाता हूं, लेकिन 7 दिन के बाद तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना मुझ में। एक दिन तो मैं अपनी स्मेल सुनकर बेहोश हो गया था। ओए विजय, खड़ा हो इधर से, मेरी बात सुनो। हां, और मैं एक्चुअली, मैंने आज बड़ा जरूरी नहाना था, मैंने एक मीटिंग पे जाना था। कौन से सिग्नल पे आपकी मीटिंग है सर? तुम इससे बात किया करो, वो सिग्नल नहीं है, वो मेरा ऑफिस है, एंड आई एम सेल्स एग्जीक्यूटिव देयर। सेल्स एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़ा सेल एग्जीक्यूटिव है ये। इतना मजबूरी वाला मुंह बनाता है ना, 3 रुपए का पेन 10 रुपए में बेचता है सिग्नल पे। अर्चना जी, इस बात का फैसला हो जाए, क्या कोई बंदा जिसने मुझे सिग्नल पे मांगते हुए देखा हो कोई बता दे। इधर भी देख, सारी जनता हाथ खड़े कर रही है। ओ मैं, ये तो वो जिन्होंने पहचान लिया, नहीं तो पहचान मैंने मुंह पे ग्रीस लगा के मांगता है ये। मैंने पता कैसे पहचाना इसको? कैसे? मैंने 10 का नोट दिया, कहता ओए होए होए, मैंने तो तब पकड़ा इसको। ये देखो, इतनी आपने बातें बना दी है, एक बाल्टी पानी तक नहीं दिया आपने। कोई बात नहीं, मैं भूरी से ले लूंगा। भूरी, ओ भूरी, आई भूरी। वाह 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 वाह, हमारे मोहल्ले में उधड़ी हुई गिलहरी आई है यार। और उधर से सूजा हुआ भालू आया है, आइए आपका स्वागत है। यार ये तो अपना मांगने वाला चंदू है, ये क्या हाल बना रखा भाई तुमने? ए बच्चा, तेरी साली ने बोला था इसको अपनी औकात में रहो, आ गया अपनी औकात में। शुक्र करो आज मैं टॉवल में आया हूँ, ऐसा ना हो कहीं मैं घोड़ी पे आ जाऊं। ओ,
ट्राई करो एक दिन, तुम्हें वापस एम्बुलेंस में ना भेजा ना तो देखना। ये एम्बुलेंस वही जिसपे लाल बत्ती लगी होती है? हाँ। मेरे को जोशी ने बोला था कि तुम्हारी लाइफ में लाल बत्ती वाली गाड़ी का सुख है। ज्यादा नेता बनने का जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं है, घाट घाट का पानी पिया इस बच्चा यादव ने। लो, घाट का पानी तो ये पी गया, सूखा तो पड़ेगा ही। देखिए पानी खत्म होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, दो दो घंटा नहाता है ये आदमी, क्यों भाई? खुद देख, तू दो दो घंटे नहाने वाले की शक्ल ऐसी हो सकती है? बताओ जरा यार, लो यार, शक्ल में कोई परिवर्तन तो आया नहीं, क्यों नहाते हो फिर? क्यों पानी वेस्ट कर रहे हो? उसे क्या समझा रहा है, खुद का एरिया देख। जितना तेरा सुपर बिल्डअप एरिया है ना, जितने पानी से नहाता है, 15 खेतों की सिंचाई हो जाए उससे। आप ना करके दिखाइए, 15 खेतों की सिंचाई आप उतने पानी से करके दिखाइए, हम आपको गारंटी देते हैं। हम सरकार से कह के किसान भाइयों के प्रोग्राम में आपका इंटरव्यू करवाएंगे, आप करके दिखाइए सिंचाई 15 खेतों की। बच्चा ये ऐसे भी तो बात कर सकता, सीधी बात नहीं कर सकता, सारी दातुन मेरे मुंह पे झाड़ दी। रुको रुको यार, बच्चा क्यों भड़क रहे हो यार? नहीं, बात ही भड़कने का, कैसे बात कर रहे हैं? हां, अजीब अजीब आदमी है यार ये। सारी दुनिया सोनी टीवी पे आपको देख रही है और आप क्या देख रहे हैं, हमें नहाते हुए। ओए मेरी बात सुनो, सोनी टीवी पे लोग मुझे भी देखते हैं। अच्छा, हम दर्शकों से माफी चाहते हैं कि मजबूरी में आपको ये चीज देखनी पड़ रही है। बच्चा यादव, ये मत बोलो कि तुम्हारे बच्चों को खुश करने के चक्कर में मैं बंदर तक बन जाता हूँ। अरे वो तो हमारे बच्चों के हाथों में केले होते हैं तो इनके अंदर का बंदर बाहर निकल आता है। जाओ यार, अब तुम ना थर्स्टी क्रो की तरह ऐसे घड़े में ऐसे कंकड़ फेंको और पानी पियो। जाओ जाओ। योजना तो बड़ी अच्छी बताई आपने महोदय, एक बात बताएंगे, आपके अंदर कंकड़ डाले कैसे? मोहल्ले की मुखिया आगे बताओ भी, क्या शोर मचा रखा है? भूरी, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए था। तुम्हारे लिए चुल्लू भर के पानी रखे, जाओ डूब मरो। पांच महीने से सोनी टीवी पे हम आ रहे हैं, लेकिन पहली बार तुम हमें अच्छी लगी हो भूरी। छोड़ क्यों नहीं देती तुम ऐसा जीजू, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ओहो, बिल गेट्स की शक्ल तो देखो।